और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम उन 5 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो 2 लाख रुपए के अंदर में आ जाती है, और इन गाड़ियों में कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, कैसा माइलेज मिलेगा और कौन सी गाड़ी आपके बजट के लिए परफेक्ट है, वो सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो पहली बाइक है यामाहा R15 वर्जन 3। दोस्तों R15 V3 अपने 150cc सेगमेंट की सबसे सक्सेसफुल बाइक है, क्योंकि जब ये बाइक 2018 में लॉन्च हुई थी तो लोगों ने पहली नज़र में ही इसको पसंद कर लिया था, और आज भी अगर आप इस बाइक को अपनी सिटी में राइड करोगे तो लोग आपको पलटकर ज़रूर देखेंगे। आपको पलटकर नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी बाइक को पलटकर ज़रूर देखेंगे। लुक्स और डिज़ाइन की बात की जाए तो R15 V3 एक फुली फेयर्ड मस्कुलर डिज़ाइंड रेस ट्रैक ओरिएंटेड स्पोर्ट्स बाइक है। दोस्तों इस बाइक का लुक्स ही इसकी पहचान है। एरोडायनेमिकली ये बाइक डिज़ाइंड है, इसलिए आपको वाइब्रेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, डुअल चैनल ABS मिलेगा, प्लस BS6 कंप्लायंट इंजन भी इस बाइक में आ चुका है। इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन भी और यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी इस बाइक में आपको मिलेगी, और ये सारे फीचर्स आपको अंडर 2 लाख की R15 में मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है, जो एक आई कैची और स्पोर्टी लुक बाइक को देने में हेल्प कराती है, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और बाइक में आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। इंजन डिस्प्लेसमेंट इस बाइक में आपको मिलता है 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 18.6 PS एट 10,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 14.1 Nm एट 8,500 RPM का। नंबर ऑफ गियर्स इस बाइक में आपको 6 मिलते हैं, और दोस्तों इस बाइक का माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप अराउंड 45-50 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो, और इतना माइलेज R15 V3 ओनर्स को मिलता भी है। अगर आप V3 ओनर्स हो तो कमेंट करके बताओ कि आपकी V3 आपको कितना माइलेज देती है। सस्पेंशन और टायर की बात की जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है, और 100 Section 80 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे और 140 Section 70 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। प्लस इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाइक के प्राइस को देखा जाए तो R15 वर्जन 3 BS6 वेरिएंट का प्राइस है 1,45,000 एक्स-शोरूम। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में R15 V3 वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि दोस्तों इस बाइक में आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो एक 200cc और उससे भी ज़्यादा cc वाली बाइक में दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों बाइक का लुक्स, माइलेज, परफॉर्मेंस सब कुछ A1 है, और शॉर्ट हाइट वाले बंदे के लिए भी ये बाइक परफेक्ट है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको R15 V3 अच्छी लगती है कि नहीं। दूसरी बाइक है KTM ड्यूक 200 BS6। दोस्तों लगभग 8 साल के बाद ड्यूक 200 के डिज़ाइन में चेंजेस आए हैं, और सच में यार इस बार ड्यूक 200 और भी ज़्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी दिख रही है। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि ड्यूक 200 का डिज़ाइन मार्केट में नया है, क्योंकि ड्यूक 250 जैसा ही इसका डिज़ाइन है। 99% ये ड्यूक 250 से सिमिलर है, बाकी जो 1% है वो है इंजन डिस्प्लेसमेंट और न्यूली बॉडी ग्राफिक्स। बाकी और भी कॉस्मेटिक चेंजेस आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। दोस्तों 200cc की जितनी भी नेकेड बाइक्स मार्केट में अवेलेबल है, उन सभी को लुक्स के मामले में ड्यूक 200 ने पीछे छोड़ दिया है। और जो भाई लोगों को ड्यूक 250 का डिज़ाइन पसंद था लेकिन ज़्यादा प्राइस के कारण उसको नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो लोग कम प्राइस में ड्यूक 200 को ले सक। बाइक के फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, और कॉर्नर्स पर आपको LED DRLs मिलते हैं जो बाइक को एक स्पोर्टी फील देते हैं, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है, और इस बाइक में आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। दोस्तों इस बाइक में आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑरेंज और दूसरा वाइट। दोस्तों मुझे स्पेशली वाइट कलर ज़्यादा पसंद आया है, बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको कौन सा कलर पसंद है। इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 199.5cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FDOHC BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 25 PS एट 10,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 19.3 PS
एट 8000 RPM। 13.5 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है। पहले आपको 9.5 लीटर्स का मिलता था, लेकिन ठीक है 13.5 लीटर्स भी सफिशियंट है, आपको बार बार रिफिल करवाना नहीं पड़ेगा। माइलेज को देखा जाए तो इस बाइक से आप अराउंड 30 टू 35 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि BS6 इंजन के होने से आपको माइलेज में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्रंट में आपको 43mm के WP अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं और 110 सेक्शन 7 ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है और 300mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिलेगा और पीछे आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं और 150 सेक्शन 60 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और पीछे भी आपको 230mm के डिस्क प्लेट मिलेंगे। और आपकी सेफ्टी के लिए इस बाइक में डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। ड्यूक 200 के प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइस है 1,72,000 एक्स शोरूम दिल्ली और ऑन रोड ये बाइक आपको 1,96,000 की पड़ेगी दिल्ली में। अच्छी बात है बाइक अंडर 2 लाख है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन प्राइस ज़्यादा है तो क्या हुआ, फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के मामले में बाइक परफेक्ट है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको KTM ड्यूक 200 का नया लुक एंड डिज़ाइन पसंद है कि नहीं। तीसरी बाइक है बजाज डोमिनार 250। दोस्तों 250 cc सेगमेंट में बजाज के पास एक भी बाइक नहीं थी, इसलिए उन्होंने 250 cc की जगह बनाने के लिए डोमिनार 250 को लॉन्च किया BS6 इंजन के साथ। दोस्तों इसका डिज़ाइन सेम डोमिनार 400 से मिलता जुलता है, बाकी छोटे मोटे और भी चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लुक्स को देखा जाए तो डोमिनार 250 एक नेकेड सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक है और दोस्तों डोमिनार वन ऑफ द बेस्ट टूरिंग बाइक भी है। काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं डोमिनार से टूर करना, क्योंकि इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बाइक कंफर्टेबल भी है। दोस्तों डोमिनार 250 को लॉन्च करने का मेन मोटिव ये है कि काफ़ी सारे लोग डोमिनार 400 को नहीं ले पा रहे थे ज़्यादा प्राइस के कारण, इसलिए बजाज ने कम प्राइस में डोमिनार 250 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। दोस्तों बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है और पीछे भी आपको LED टेल लाइट मिलती है, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और LED इंडिकेटर्स इस बाइक में आपको मिलते हैं। स्प्लिटर सीट इस बाइक में आपको मिलेगी और राइडर सीट एंड पिलियन सीट दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पेसफुल और कंफर्टेबल। इंजन डिस्प्लेसमेंट इस बाइक में आपको मिलता है 248.77 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOHC 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड FI ट्विन स्पार्क BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 27 PS एट 8500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 23.5 Nm एट 6500 RPM का। 13 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है और नंबर ऑफ गियर्स 6 मिलते हैं। माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 30 टू 35 KMPL तक का गेन कर सकते हो। फ्रंट में आपको 37mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं और 100 सेक्शन 80 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और पीछे आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलता है और 130 सेक्शन 70 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और डुअल चैनल ABS इस बाइक में दिया गया है। प्राइस को देखा जाए तो डोमिनार 250 का प्राइस है 1,60,000 एक्स शोरूम दिल्ली। बाकी दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में 250 cc की बाइक मिलना मुश्किल है, वो भी इतने सारे फीचर्स के साथ। मैं तो यही कहूँगा कि डोमिनार 250 KTM ड्यूक 250 को बराबरी की टक्कर देती है और डोमिनार 250 आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बाइक भी हो सकती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप डोमिनार 250 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। फोर्थ नंबर की बाइक है KTM ड्यूक 125। दोस्तों ड्यूक 125 को हमने 2 लाख की बाइक में इसलिए लिया है क्योंकि ये बाइक वर्थ इट है, मतलब ड्यूक 125 आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है। दोस्तों ड्यूक 125 लुक्स एंड फीचर्स में 150 और 200 cc की बाइक्स को टक्कर देती है, इसलिए आप इस बाइक को और दूसरी 125 cc की बाइक से कंपेयर मत कीजिए। अब काफ़ी सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ड्यूक 200 BS6 के डिज़ाइन में चेंजेस किए गए हैं लेकिन ड्यूक 125 में नहीं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर एक वजह ये हो सकती है कि अब आपको जो डिज़ाइन ड्यूक 125 में देखने को मिलता है अब वो 200 में देखने को नहीं मिले। और दोस्तों KTM ने एंट्री लेवल पर इसी डिज़ाइन के कारण मार्केट में अपनी जगह बनाई थी, इसलिए ये डिज़ाइन कंपनी बंद नहीं करेगी। दोस्तों लुक्स एंड डिज़ाइन में वन ऑफ द बेस्ट मस्कुलर स्पोर्टी लुकिंग बाइक है KTM ड्यूक
125। बाइक के फ्रंट प्रोफाइल में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है और पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है। और इस बाइक में आपको एलईडी इंडिकेटर्स, इंजन डिस्प्लेसमेंट इस बाइक में आपको मिलता है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर वाल्व लिक्विड कूल्ड FIDO HSE BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 14.5 PS एट 9250 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 12 न्यूटन मीटर एट 8000 RPM। 10.5 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है और माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 45-50 KMPL तक का गेन कर सकते हो। बाइक के फ्रंट में आपको 43mmWP अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेंगे और 110 सेक्शन 70 का फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा और पीछे आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और 150 सेक्शन 60 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। और ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। KTM ड्यूक 125 BS6 का प्राइस है 1,38,000 एक्स शोरूम दिल्ली। बाकी 125 cc के हिसाब से बाइक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस, फीचर्स और लुक्स को देखोगे तो बाइक वर्थ इट है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको ड्यूक 125 कैसी लगती है। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।